केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के तहत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को वृंदावन पहुंचकर अक्षय पात्र में नमामि गंगे योजना के तहत करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन बटन दबाकर किया। इस मौके पर गडकरी ने सवा साल में यमुना को अविरल बनाने का वचन दिया। कहा कि दिल्ली से आगरा तक आधुनिक जल बोट चलाएंगे। इसके अलावा गुरुग्राम से मुंबई के बीच 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली से मुंबई तक की दूरी सड़क मार्ग से 12 घंटे में तय हो सकेगी। यमुना नदी की जल क्षमता 160% बढ़ेगी। हरियाणा को 47% पानी मिलेगा। समारोह में यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इस फिल्म में बताया गया कि यमुना को किस तरह से साफ किया जाएगा। इस दौरान यमुना की दुर्दशा का जिक्र करते हुए लोगों ने गोवर्धन को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की मांग रखी। विधायक पूरन प्रकाश ने कहा कि बड़ी उम्मीदें थी नमामि गंगे परियोजना से, जो आज पूरी हो रही है। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यमुना जीवन दायिनी है, पटरानी है, जल भगवान के स्नान के काबिल हो जाए 500 करोड़ की योजना पूरी तरह से शुद्ध होगी। ऊर्जा मंत्री ने ब्रजवासियों से इसमें सहयोग मांगा। गंगा को शुद्ध किया है, उसी तरह यमुना भी साफ होगी। मथुरा और वृंदावन के नाले टेप किए जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री सतपाल सिंह ने कहा कि ब्रज भूमि को 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने पवित्र किया था। आज गडकरी यमुना को पवित्र करने के लिए आए हैं। गंगा को पवित्र करने का श्रेय गडकरी को दिया जाएगा और कहा कि यमुना की दुर्दशा के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। भगवान कृष्ण के भक्त अगर इसमें सहयोग करेंगे तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। ये जो इलाहाबाद से प्रयागराज से गंगा में जो संगम तक परियोजना मिलती है, ये टोटल 1376 किलोमीटर है। इसका आवास क्षेत्र 366.2 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये 7 राज्यों से आते उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर निकली है। यमुना एक्शन प्लान 3 के तहत अभी 8 परियोजनाएं दिल्ली को अपने 3 ड्रेनेज के लिए जो कुंडली विठाला ओखला दिल्ली में 12 योजनाएं हमने दी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और मैंने अभी 12 योजनाओं के कार्य का शुभारंभ किया है। सत्यपाल सिंह जी जो उपस्थित है और मैं बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली से अभी आप मैं श्रीकांत जी को कह रहा हूं।